हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एलईडी बल्ब है वो रिपेयर करना सिखाएंगे। दोस्तों, एलईडी बल्ब रिपेयर करने के लिए आपके पास से स्क्रू ड्राइवर हो, एक के होल्डर हो, यानी जिसमें बल्ब लगाया जाता है वो होल्डर हो, और आपके पास एक प्लायर हो या इसको खोलने के लिए आइटम हो। दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खराब नहीं होता है। इसमें जो एलईडी हैं वो काफ़ी सारी संख्या में होती हैं, 8, 10, 12, 14 जो भी, उसमें से एक या दो एलईडी खराब हो जाती है और हमारा बल्ब है वो उसका प्रॉपर जो सीरीज कनेक्शन है वो टूट जाता है और उसी के कारण एलईडी हमारी जल नहीं पाती। तो उसी को जलाने के लिए एलईडी को रिपेयर कैसे करें, उसको ठीक कैसे करें, वो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बल्ब को खोलते हैं। बल्ब को खोला दोस्तों, इसको अब होल्डर में लगाना है। होल्डर में लगा के जो इसकी ये एलईडी है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसमें 3, 7, 4, 5, 6 ये पहले से रिपेयरेबल बल्ब है, पहले से रिपेयर किया हुआ है। इसकी दो एलईडी हैं, पहले से रिपेयर कर रखी हैं। इसी प्रकार हमारे पास ये दूसरा बल्ब है, इसमें आपको 6 एलईडी दिखाई दे रही हैं। ये एलईडी अभी हमने रिपेयर किया, आपको दिखाएं कैसे किया। और ये जो एलईडी है दोस्तों, ये भी रिपेयर किया, इसमें 8 एलईडी पहले से ऑलरेडी 8 एलईडी थी और अभी इसमें 6 एलईडी कामयाब हैं, 2 एलईडी खराब हो चुकी है। इसके लिए आपके पास ये सोल्डरिंग आयरन भी होना जरूरी है, इसको सोल्डरिंग करना पड़ता है। सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप इसको एक तार भी बांध सकते हैं, वायर, बारीक वायर लेके वो बांध सकते हैं। वैसे आपके पास यदि सोल्डरिंग आयरन है तो सोल्डरिंग करने से अच्छा रहता है। तो दोस्तों, इसको कैसे टेस्ट करते हैं वो आपको हम बता देते हैं। दोस्तों, इसको चेक करते हैं। जैसे देखो, आपको धीरे धीरे ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ये एलईडी थोड़ी ब्लिंक हो रही है। हम प्रत्येक एलईडी को चेक करेंगे। दोस्तों, ये एलईडी ठीक है, एक बाकी इसमें ये सारी एलईडी हैं जो ये खराब हो चुकी हैं दोस्तों। तो इसमें तो जो हमारी ये सर्किट है, एलईडी सर्किट, यही हमें चेंज करना होगा। ये 5-10 रुपए का आता है दोस्तों, आप बाजार से लेके इसमें लगा सकते हैं और एलईडी आपकी प्रॉपर काम करने लगेगी। अब दूसरे एलईडी बल्ब को चेक करते हैं। अब दोस्तों, इस बल्ब को हम चेक करेंगे। देखो इसकी एलईडी 6 एलईडी जली, इसका मतलब ये बल्ब सही है। जो इसमें रिपेयरेबल पहले से की हुई ये 2 एलईडी हैं, इनमें से डिसोल्डरिंग कोई हो रखा है। अब देखो, हम इसको सोल्डर करते हैं। इसको हम, हमारे पास ये सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हम इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। दोस्तों, हमने एलईडी है इसको सोल्डरिंग कर लिया, एलईडी को सोल्डरिंग कर लिया आपके सामने। अब इसको ऑन करते हैं। देखो दोस्तों, एलईडी जल गई, मतलब हमारी एलईडी ठीक हो गई। आप भी अपने घर में इस प्रकार एलईडी आपके पास हो जो भी, उनको आप भी ठीक कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ कमी नहीं होती है दोस्तों, आप फेंक देते हैं उसको खराब हुई समझकर। इसलिए घर में कभी भी एलईडी को ऐसे फेंके ना, उसको आप अपने घर में रिपेयरिंग कर सकते हैं या उसको किसी अपने दोस्त के पास जो थोड़ा बहुत काम करता है उससे रिपेयर करा सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड, ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।